Good morning, students. Today we discuss about more on Windows 7. Our topic is more on Windows 7. Okay, before we learn about more on Windows 7, we should know about what is Windows. Windows is a very popular operating system. Operating system means is an interface between user and the computer. Okay, Windows is just like a soul of computer. Without Windows, you cannot run your computer, you cannot operate your computer. Okay, and Windows is a very popular operating system that was introduced by Microsoft. Microsoft is a company that introduced Windows in 2009. It came as an upgrade to its earlier version. This is the upgraded version of Windows Vista. Windows Vista is a version of Windows, but after Windows Vista, Windows will come. Okay. This operating system has made the task of managing data quite easier. After using Windows, the data ko manage karne ka task jo hamare liye easy ho gaya hai. It becomes very easier. Now we discuss about Windows Explorer. Okay, Windows Explorer is a key feature. Windows Explorer ek key feature hai that can be used to interact with Windows 7. Jo sirf isliye use hota hai ki hum Windows 7 se interact kar sake. Okay, Windows Explorer hame ek facility provide karta hai ki hum view kar sakte hain, dekh sakte hain, explore kar sakte hain aur organize kar sakte hain libraries ko, files ko aur folders ko. Hum apni files ko, folders ko aur libraries ko kaise organize kar sakte hain wo hum kiski help se kar rahe hain? Windows Explorer ki help se. Okay, ab hum Windows Explorer ke baad hamara jo topic hai wo hai libraries. Libraries ke liye, library is a folder. In Windows 7, एक folder है ये. Folder में क्या 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 आ सकता है आपकी बहुत सारी files. अब libraries क्या है? एक folder है Windows 7 के अंदर. Windows 7 क्या है? हमारा एक version है Windows का. Okay, which you can organize your files at one place. Library का main ये है कि हम सारी files को एक ही जगह पे place कर सकते हैं. एक ही जगह पे प्लेस करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है सर्च करना और एसेस करना फाइल को. अगर हमें कोई फाइल ढूंढनी है तो हम अगर एक ही प्लेस पे सारी फाइल्स पड़ी हैं तो हमें उसको सर्च करना और एसेस करना इजी हो जाता है. ओके, तो लाइब्रेरी हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम अपनी हाइड हुई फाइल्स को ढूंढ सकते हैं. वो उसकी एक्चुअल लोकेशन को तो हाइड कर देता है लेकिन अपने पास वो सारी फाइल्स को सेव रखता है. ओके, ना हमारा नेक्स्ट है कि अब विंडो एक्सप्लोरर का हमें पता चल गया है कि क्या करता है विंडो एक्सप्लोरर. वो एक ऐसा की फीचर है जिसमें सारी फाइल्स और फोल्डर्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. ठीक है, बट अब इसको ओपन स्टार्ट कैसे करते हैं? इसके टू वेज होते हैं. सबसे पहला वे आपका राइट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन सिलेक्ट ओपन विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन. अगर ये वे आपको ईजी नहीं लगता, टफ लगता है, तो आपका एक और वे है जिसमें आप क्या करोगे, क्लिक ऑन स्टार्ट देन ऑल प्रोग्राम्स देन एसेसरीज एंड देन विंडोज एक्सप्लोरर. ये आपका ईजीली आपका इससे ओपन हो सकता है विंडोज एक्सप्लोरर, स्टार्ट कर सकते हो आप. अब जैसे आप स्टार्ट करते हो आपकी ये विंडो खुल के आती है जिसमें एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट पेन. लेफ्ट पेन एंड राइट पेन. लेफ्ट पेन में आपके पास क्या क्या होता है, इधर आप देख सकते हो यहाँ क्या है, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, पिक्चर्स, ये सब आपका होता है, कंप्यूटर, नेटवर्क. तो आप ये सारे जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, आप इसमें शो कर रहा है कि लेफ्ट पेन क्या शो करता है आपके डिस्क ड्राइव्स और फोल्डर्स को, और राइट पेन क्या शो करता है आपके, शो यू द कंटेंट्स ऑफ द ड्राइवर्स और फोल्डर्स. जो उनसे ड्राइवर्स और फोल्डर्स को आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके कंटेंट्स को वो यहाँ पे शो करता है. जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे वो शो कर रहा है उसके ड्राइव्स, लोकल डिस्क सी डी ई एफ, और जो आपने डायरेक्टरी या एक अलग ड्राइव बनाई हुई होती है ओन डायरेक्टरी, वो आपकी शो होती है यहाँ पे. और अगर आप कोई पेन ड्राइव या सी डी वगैरह
एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करते हो अपने सीपीयू के साथ, तो वो आपके आइकन यहाँ शो होते हैं उसके। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? हाँ जी, इसमें मैंने आप सबसे पहले आपको बताया है विंडोज़ के बारे में, देन विंडोज़ एक्सप्लोरर, देन मैंने आपको बताया है कि